सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार और सभी का मेरे चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये फायर क्रैकर फर्न प्लांट के बारे में। ये बहुत सारे लोगों के घर पे लगा होगा, पर कई बार हमें नाम पता नहीं होता, इसलिए हम पहचान नहीं पाते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसे कोरल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ही कहना चाहिए बेल नुमा होता है, घना एकदम ऐसी, इसमें सिर्फ हरी हरी ऐसी टहनियाँ निकलती जाती हैं और नारंगी रंग के और कुछ लाल रंग के, कुछ कभी कभी पीले रंग के इसमें फूल आते हैं, छोटे छोटे फूल। जब ये फर्न लगाई जाती तो इसमें जब फूल आते हैं तो वो हज़ारों की संख्या में फूल आते हैं और वो फूल जो हैं वो कहना चाहिए बटरफ्लाइज़ को, बीज़ को और हमिंग बर्ड को आपके गार्डन में अट्रैक्ट करते हैं। इसमें ऐसी छोटी छोटी लीव्स होती हैं। अभी क्योंकि हमारे यहाँ ठंड का सीज़न है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इस तरीके की छोटी छोटी लीव्स आती हैं। ये ठंड के सीज़न की वजह से हल्की सी जल गई हैं, ये ठंड की वजह से, क्योंकि ये समर प्लांट है। और अभी देखिए ये शूट्स निकल रहे हैं इसमें, ये नए नए शूट्स आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये न्यू शूट्स निकल रहे हैं। इसको कटिंग के माध्यम से लगाया जाता है और जब ये एक दफ़ा जड़ पकड़ लेता है ये वाला पौधा तो कम से कम 2 मीटर तक बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ये। आप इसे लैंडस्केप में लगाइए, गमलों में लगाइए और कुछ लोग तो इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगाते हैं। और जब हम इसे लगाते हैं तो इसके लिए मिट्टी का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी जो मिट्टी हो वो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है, इसमें जब आप प्लांट करते हैं तो ये मॉइस्चर रिच होनी चाहिए और उसमें ऑर्गेनिक मैटर रिच होना चाहिए। तो कभी भी जब आप लगाते हैं इसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाएं तो इसमें कम से कम 40% जो है आप कंपोस्ट या फिर पुरानी हुई गोबर की खाद आप इस्तेमाल कीजिए और इसे फुल सन में रखिए, क्योंकि ये धूप बहुत पसंद करते हैं। इसलिए इसे ऐसी जगह रखिए जिसमें बहुत धूप, जितनी धूप इसमें आएगी उतना अच्छा ये बढ़ेगा और उतना ही बहुत ज़्यादा उसमें फ्लावर्स आएंगे, क्योंकि इसकी बेसिकली ब्यूटी जो है वो फ्लावर्स की वजह से ही होती है, क्योंकि लीव्स तो इसमें होती नहीं है, देखिए। और ये पतली पतली टहनियाँ ही बहुत घनी हो जाती हैं। अभी आप 1 महीने बाद इसका स्वरूप देखेंगे तो एकदम बदला होगा। ये मैंने अक्टूबर एंड में लगाई थी इसकी कटिंग, बस ऐसे ही काट के और इसे लगा दी थी, तो इसे जड़ पकड़ते पकड़ते देखिए अब इसमें न्यू शूट्स निकले हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। इसमें फर्टिलाइज़र की जब हम बात करते हैं तो आप कोई भी ऑर्गेनिक रिच फर्टिलाइज़र आप इसे डालिए, बैलेंस फर्टिलाइज़र इसे डालिए, हर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर लिक्विड डालेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसमें वैसे मैंने कोई कीड़ों वगैरह की अभी तक बढ़वार इसमें मैंने, मेरे पास तो खैर छोटा सा है, अपनी मम्मी के यहाँ से मैं लेकर आई थी, उनके यहाँ काफ़ी बड़ा लगा हुआ है, तो उसमें तो मैंने कोई ऐसी बढ़वार देखी नहीं। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है तो एक नॉर्मल रूजीम के तहत जो आप पेस्टिसाइड अपने घर में स्प्रे करते हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे इसमें भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और मेरे नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।